बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, ये बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल सीमा के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई, मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी, सरफराज के साथी तालिब को भी गोली लगी। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बहराइच हिंसा मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको दे दें कि इसका जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है। नेपाल सीमा के पास पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ हुई थी जिसमें एनकाउंटर हुआ और मुख्य आरोपी सरफराज को यहाँ पर गोली लगी। सरफराज का साथी तालिब उसके साथ में था, उसको भी यहाँ पर गोली लगी। नेपाल भागने की फिराक में था ये मुख्य आरोपी, लेकिन नेपाल सीमा के पास पुलिस से मुठभेड़ और उसमें मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, नेपाल सीमा के पास मुठभेड़ यहाँ पर हुई, ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रही है इस बहराइच हिंसा मामले से जुड़ा हुआ। दरअसल नेपाल सीमा पे मुठभेड़ यहाँ पर हुई जिसमें एनकाउंटर हुआ है और मुख्य आरोपी सरफराज को यहाँ पर गोली लगी। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच हिंसा मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें, मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर यहां पर हुआ नेपाल सीमा के पास। दरअसल पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, इसमें एनकाउंटर हुआ है, मुख्य आरोपी सरफराज को यहां पर गोली लगी, उसका साथी तालिब जो है उसके साथ में था उसको भी यहां पर गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन सीमा पर ही मुठभेड़ हुई जिसमें उसका एनकाउंटर और सरफराज को यहां पर गोली लगी, उसका साथी तालिब को भी यहां पर गोली लगी है। जिस तरह से हिंसा भड़की थी बहराइच के अंदर, पुलिस ने हालांकि कंट्रोल किया था स्थिति को, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी है सरफराज उसको यहां पर गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में नेपाल सीमा के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी और उसका साथी तालिब जो है उसके साथ में था उसे भी यहां पर गोली लगी है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर, आरोपी सरफराज के पैर में गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। नेपाल सीमा के पास एनकाउंटर हुआ है। और अभी तक इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी और मुख्य आरोपी को यहां पर गोली लगी है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी एहतशाम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एहतशाम देखिए, अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए, 13 अक्टूबर को हिंसा भड़की थी और उसके बाद स्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा था, जो मुख्य आरोपी है सरफराज उसको यहाँ पर गोली लगी है एनकाउंटर, अपडेट जरा दीजिए खबर पर। देखिए, जो अभी हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से खबर आई है उसमें साफ तौर से पता चला है कि बहराइच हिंसा के जो आरोपी है उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। अब्दुल हमीद और उनके दोनों बेटे रिंकू और फहीम को गिरफ्तार किया गया है। सरफराज और रिंकू और फहीम के पैर में गोली लगी है, नानपारा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जी बिल्कुल एहतशाम, जो मुख्य आरोपी है सरफराज उसको गोली लगी, जानकारी मिल रही कि उसका साथी उसको भी यहाँ पर गोली लगी, उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। कितने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले पर हुई है? देखिए, अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य आरोपी है उनके उनके पैर में गोली लगी हुई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी सख्त है और पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है किसी तरह इलाके में कोई अफवाह न फैले, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं का शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें कि पुलिस उन लोगों को भी तलाश कर रही है जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में बवाल करने में शामिल थे, उपद्रवियों का साथ दिया, उनकी भी तलाश जारी है। लेकिन जो खबरें आ रही थी कि इनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपी, अब सोर्सेस हमारे बता रहे हैं वो ऐसी खबरें नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनको गोली जरूर लगी है, उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या किसी बड़े अफसर की तरफ से इस बात की जानकारी खुलकर नहीं आई है जिसमें इस बात की पुष्टि हो। जी बिल्कुल, दोनों को हॉस्पिटल यहां पर भेज दिया गया है। अगर बात करें पीड़ित परिवार के, एहतशाम मुख्यमंत्री से भी वो मुलाकात करे थे, हमने देखी थी वो तस्वीरें जब योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद ये बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं पुलिस सख्त के ऊपर दबाव है, वो सख्ती के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और कौन आरोपी है, कौन दोषी है। तो तमाम तमाम चीजें हैं, पुलिस अपने स्तर पर जांच चीजें कर रही है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि स्थिति सामान्य रहे, किसी तरह की कोई अफवाहें ना फैले। सरकार की पूरी सबसे बड़ी कोशिश यही है, जो दोषी हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही क्षेत्र इलाके में अमन चैन भी कायम रहेगा। जी ठीक है, दिशा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।